Hello students, now you can see the diagram of digestive system on the board. You can see here buccal cavity, salivary glands, esophagus, stomach, and then large intestine, small intestine, three glands, liver, pancreas, and rectum and anus. You can see here the whole diagram of digestive system. Food, buccal cavity से start हुआ, salivary glands ने simple carbohydrate को change किया, हमारा digestion start हो गया. Esophagus से peristaltic movement से होता हुआ, food हमारे stomach में आया. Stomach is the widest part, सबसे wide वाला part है हमारी पूरी alimentary canal में. स्टमक में आने के बाद मैंने आपको जस्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर थ्री सीक्रेशंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को बैक्टीरिया किल करता है और फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है. म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग पर इकट्ठा हो जाता है, कवर बना देता है, जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ है उससे स्टमक की वॉल्स डैमेज ना हो. और पेप्सिन प्रोटीन्स को चेंज करता है पेप्टोन्स में. नाउ फ्रॉम द स्टमक, अब ये जो फूड है यहाँ से चेंज हुआ, अब हम इसको बोलने लगते हैं काइम. ये काइम पास हुआ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज 7.5 मीटर होती है. यहाँ पर भी फिर से कुछ और एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, प्लस ये जो दोनों हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, पैनक्रियाज एंड लिवर. लिवर सिक्रीट करता है एक बाइल जूस, एक जूस सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस, और वो जूस इकट्ठा हो जाता है गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर से जब फूड हमारे स्टमक से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस इस फूड के साथ जॉइन हो जाता है, इस फूड के साथ चलने लगता है, इस फूड में मिक्स हो जाता है. एक पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है, इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस या जिसको हम इंसुलिन कहते हैं वो सिक्रीट होता है, और जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव करता है तो उस समय पर ये भी ऐड हो जाता है. तो यहाँ पर बाइल जूस ऐड हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के ही सिक्रीशंस होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं, वो भी इस फूड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं. अब यहाँ पर फूड जो है हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रह गई थी, अब इसके अंदर फिर से जो प्रोटीन रह गया था वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाती है, एंड फैट्स चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. अब देखिए प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करते हैं जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करता है पैनक्रियास से निकला हुआ इंसुलिन, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है गॉल ब्लैडर से निकला हुआ बाइल जूस. तो यहाँ पर सारी चीजें सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाती हैं. अब ये फूड हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है. अब यहाँ पर हमारी अगली स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड वेसल्स. अब ये फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, दे आर कॉल्ड विलाई. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर इस तरह के फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बाहर निकले होते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई. ये क्या करते हैं, ये सरफेस बढ़ा देते हैं. जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है इनके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, ब्लड की कैपिलरीज. ये ब्लड की कैपिलरीज हैं,
जो इन विलाई की सरफेस के बिल्कुल अंदर होती है, एकदम पास में होती है, तो क्या होता है कि ये ब्लड के पास से जब डाइजेस्टेड फूड पास होता है तो ये विलाई उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में भेज देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है। तो इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ वो फूड ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है और फिर ये सारी सेल्स में पहुंच जाता है। सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज जो हमने फूड में लिया है, हमने अभी देखा ना, हम फूड ले रहे हैं तो सिंपल शुगर में चेंज हो गया या फैटी एसिड में चेंज हुआ, ग्लिसरॉल में चेंज हुआ या अमीनो एसिड्स में चेंज हुआ। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी हमें किसी भी काम को करने के लिए जब हमें अपनी बॉडी को लगाना होता है, अपनी बॉडी को चलाना होता है तो हम किससे चलाते हैं, ये एनर्जी ही यूज करके हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। तो ग्लूकोज तो हमें एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो बाहर निकाल दी जाती है हमारे नॉस्ट्रिल्स से और वाटर जो होता है वो हमारे बहुत सारी प्रोसेसेस में यूज हो जाता है। दूसरी चीज बनी थी हमारे पास अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स चेंज हो जाते हैं प्रोटीन्स में और ये प्रोटीन्स अब हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारी सेल्स को, जो सेल्स टूट फूट गई थी, खराब हो गई थी, उनको रिपेयर करने में, टिश्यूज को रिपेयर करने में, टिश्यूज को बनाने में अमीनो एसिड्स यूज हो जाते हैं। और जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बना था फूड के डाइजेशन के बाद वो हमारी स्किन के नीचे आकर स्टोर हो जाता है फॉर फर्दर यूज, जिसको हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। ये एनर्जी का एक हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इस तरह से हमारा फूड जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो गया, हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं थे या कोई भी चीज़ नहीं थी, तो वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक कोलोन और एक रेक्टम। कोलोन में ये फूड मूव होता है तो इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जितने मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यहाँ पर फूड सेमी सॉलिड हो जाता है और जाकर रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फीसिस की तरह ये यहाँ पर स्टोर रहता है और एनस के थ्रू हम इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और हम इससे गेट रिड ऑफ हो जाते हैं, हमें इससे छुटकारा मिल जाता है क्योंकि ये फूड हमारे लिए यूजफुल नहीं था। नाउ अब आप लोगों ने देखा कि हम जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं तो विटामिन भी पढ़ते हैं, मिनरल्स भी पढ़ते हैं, रफेज भी पढ़ते हैं, तो वो हमने क्यों लिया था या वो हमने क्यों रखा था उनको न्यूट्रिएंट्स में। विटामिन और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है, वो एज इट इज ही हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसको और यूटिलाइज कर लेती हैं। रफेज हमने क्यों लिया था फूड के साथ, क्योंकि रफेज जो है वो हमारे फूड के मूवमेंट को पूरा बकल कैविटी से लेकर एनस तक, रफेज हमारे फूड के मूवमेंट को इजी कराता है। अगर रफेज हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा फूड मूव नहीं कर पाएगा और मूवमेंट बहुत जरूरी है फूड का, तो इसके लिए हम रफेज को ऐड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि अल्सर हो जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा जो फीसिस है, जो वेस्ट मटेरियल है, ये इतना हार्डन हो जाता है कि इसको हम एनस से बाहर नहीं निकाल पाते, इससे गैट्रिक नहीं हो पाते और इजेशन की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो रफेज है वो हमें हेल्प करता है, तो हमें अपने फूड के अंदर रफेज की क्वान्टिटी अच्छी रखनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए, वाटर भी ज़्यादा पीना चाहिए जिससे हमारे फूड का जो मूवमेंट है वो अच्छे से चलता रहे।
अल्सर हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि स्टमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं। अल्सर कहते हैं वूंड्स, घाव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम गैप नहीं रखते अपने खाने में, तब क्या होता है कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और उस ज़्यादा बने हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे जो इंटेस्टाइन की वॉल, जो हमारे स्टमक की वॉल्स हैं, ये डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ पर घाव हो जाते हैं, वूंड्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्सर। तो अल्सर ना हो और हमारा फूड कॉन्स्टिपेशन ना कराए हमें, तो इसके लिए हमें फूड बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं होना चाहिए। फूड को हमें एक प्रॉपर गैप के बाद खाएं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है और हमें फूड से पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।